देखिए, वैली का सिक्योरिटी सिनारियो बहुत बेहतर है आज की तारीख में। मुझे खुशी इस बात की कि आज काफ़ी ठंड हो जाने के बावजूद भी टूरिज्म, जो लोगों की रोजी रोटी यहाँ की बहुत बड़ी उसका साधन है, आज भी बड़ी अच्छी तादाद में लोग विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं। डल लेक की खूबसूरती अभी देख करके वहाँ से गुजरे तो मैं कह रहा था कि डल भी पहले से कितनी साफ दिखने लगी है। ओवरऑल ड्यूटी की बात करें तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत बेहतर है। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें जो मॉड्यूल्स जो इस वक्त मिलिटेंसी को चलाते हैं, तंजीमों का तो लगभग सफाया हो चुका है। अभी जो मॉड्यूल कभी TRF के खाते में, कभी एक किसी के दूसरे के खाते में चलता है, उनका भी एक एक बात सफाया हो रहा है। जैसे ADG कश्मीर बता रहे थे कि ये भी एक मॉड्यूल जो सिविलियन और खासतौर पे माइनॉरिटी किलिंग में शामिल था, नॉन लोकल लेबर की किलिंग में शामिल था, इसका भी आज के एनकाउंटर में मान लीजिए सफाया हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि सिक्योरिटी की सुरक्षा दिन ब दिन बेहतर हो रही है। टैक्टस है दहशतगर्दी को किसी न किसी फॉर्म में लोगों के मनों में डर पैदा करके रखने की। ये पाकिस्तान से इस तरह की टैक्सेस के ऊपर अमल किया जा रहा है। ISI स्पॉन्सर्ड जो टेरर आउटफिट हैं, खासतौर पर TRF जो माउथपीस है टेरर का, आज की तारीख में टेरर किसी भी आउटफिट का हो मगर एक माउथपीस अगर उनको चाहिए तो TRF के खाते में या कश्मीर फाइट के खाते में मिलता है। ये लोगों को डराने में और कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके मन में भी खौफ पैदा करने के लिए एक तरह का टैक्टिक है कि जहां पर बाहर से आने वाला ये ले गया वो ले गया, कभी निहत्थे बेगुनाह को बाहर वाले लेबरर को टारगेट करते हैं, कभी मिनोरिटी को ये बता करके कि ये रिहेबिलिटेशन नहीं, ये सेटलमेंट की प्लान है, ये है प्लान है, वो प्लान है। अब मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित या कश्मीर का रहने वाला हिंदू जो किसी स्टेज पे मान लीजिए आगे पीछे भी जहाँ से हुआ होगा, आज वो वापस आकर के अगर अपने भाइयों के साथ बैठ के जहाँ नौकरी कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के बाकी कामों में हिस्सा ले रहा है, क्या जो उसका हक नहीं है? इस तरह की अगर आप टोटल अगर देखेंगे सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला 4-5 साल के अंदर, उसका ग्राफ बहुत पीछे आया है। टेरिस किलिंग का अगर आप सिलसिला देखेंगे तो लगभग टेरिस जो है वो खत्म हो रहे हैं। आज तादाद मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डबल डिजिट के अंदर सीमित होकर रह गई है लोकल की भी, और डबल डिजिट के अंदर सीमित हो गई है फॉरनर की भी।